वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। अभी हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके, क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ओके, ये जो गिवन है, एंड देन वेरीफाई करना है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, फाइंड कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं 26 एंड 91। ओके, पहले 26 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, इक्वल टू हो जाएगा 2 × 13। देन 91 का कर लेते हैं तो हो जाएगा 7 × 13, कितना होता है 91। ओके, देन एलसीएम इक्वल टू क्या होगा 2 × 7 × 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14। तो 14 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 14 को 13 से, तो ये हो जाएगा 12 एंड 1 तो ये हो जाएगा 3 एंड 4 4 एंड 1 तो 281 कितना आया 182। एलसीएम इक्वल टू कितना है 182। देन एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ कितना है 13। देन प्रोडक्ट ऑफ क्या है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या है 26 × 91। ओके, तो 91 और 26 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 91 और 26 तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 54 एंड 2 × 18 तो 6 6 ये हो जाएगा 13 × 2 कितना आया 2300 इक्वल टू 2366। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एलसीएम इनटू एचसीएफ, एलसीएम इनटू HCF इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था कि LCM इंटू HCF इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना है 2366 और हम LCM इंटू LCM पता कर लेते हैं तो LCM कितना है 182 इंटू LCM कितना है, इसको यहाँ से लिख देते हैं, LCM कितना है 182 इंटू LCM कितना है HCF 13 इक्वल टू, ये LCM है 182 एंड HCF कितना है 13, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 182 एंड 13 तो ये हो जाएगा 6 ये 4 एंड 2 3 एंड 5 टू 5 ये हो जाएगा 2 एंड 8 एंड 1 ये हो जाएगा 6 एंड 6 ये 3 एंड 2 कितना आया 2366। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड LCM इंटू HCF सेम है ना, तो वेरीफाई हो गया, यही वेरीफाई करना था, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू
HCF, ओके। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर टू, ओके। क्वेश्चन नंबर टू क्या है? फाइव हंड्रेड टेन एंड 92, ओके। पहले हम 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, तो 510 इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 510, ओके। इसे हम चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एंड यहाँ पे 5 देन 5, ओके। अब हम चेक कर लेते हैं इसे प्राइम नंबर 3 से, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 24 एंड ये हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 585, ओके। अब हम इसे चेक कर लेते हैं प्राइम नंबर 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड ये बच्चे 15, तो 7, ओके। और 17 एक प्राइम नंबर है, तो क्या है इसका फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 3 × 5 × 17, ओके। अब हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 90 इक्वल टू, अब हम 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 92 इसे हम प्राइम नंबर 2 से चेक करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 × 6 = 46 एंड देन हम इसे प्राइम नंबर 2 से चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 23 और 23 प्राइम नंबर है, ओके। तो हो जाएगा 2 × 2 × 23, ओके। देन LCM इक्वल टू क्या होगा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ओके। इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 12 एंड 60, एंड 60 को मल्टीप्लाई करते हैं 17 से, तो 60 और 70, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 6, तो 0, 2 एंड 10, ओके। यहाँ पे आया 10 एंड 20, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 23 से, तो ये भी हो जाएगा 0 एंड 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा 0 एंड 3, ये हो जाएगा 0 एंड 2 × 2 = 4 एंड 0 एंड 2, तो ये हो जाएगा 0 6 4 3 2, तो ये हो गया इक्वल टू 2300, यहाँ है 23,460, ओके। ये LCM कितना है इसका, 23,460 एंड HCF इक्वल टू कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, ओके। देन LCM इंटू HCF इक्वल टू, LCM कितना है, 23460 × 2, इसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं LCM इंटू HCF, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है 23460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 एंड यहाँ हो जाएगा 12 एंड 1 9, ये हो जाएगा 6 एंड ये हो जाएगा 4, तो कितना आया 46920, ओके। ये हमने LCM एंड HCF को मल्टीप्लाई करा, देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, टू नंबर्स कितने हैं, क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व कर रहे हैं, तो 510 इक्वल टू 92 इक्वल टू, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 502 एंड 92, 510
सॉरी 510 and 92, तो ये हो जाएगा 0 and 2, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 0 9 and 45, तो 0 2 9 6 4, कितना आया 4 6 9 2 0. ओके, ये LCM इंटू HCF एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सेम है ना, और क्वेश्चन में हमें क्या कहा था कि वेरीफाई डेट LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF. ओके, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल है HCF इंटू LCF, हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 46,920, एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितने हैं 46,920, सेम है ना. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं. 3 क्या है, 336 एंड कितना है 54. ओके, पहले इसका हम 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. 336 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. ओके, तो टू प्राइम नंबर से चेक करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड यहाँ पे हो जाएगा 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 8, एंड देन फिर इसे हम टू प्राइम नंबर से चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 and 4. फिर हम इसे टू प्राइम नंबर से चेक करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 and 2. फिर टू प्राइम नंबर से चेक करते हैं तो हो जाएगा 2 and 1 21. अब हम इसे 3 से चेक करते हैं, तो 3 7 जो कितना होता है 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और 7 भी एक प्राइम नंबर है, तो क्या होगा 2 into 2 into 2 into 2 4 into 3 into 7. ओके, अब हम 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 54 इक्वल टू यहाँ पे कर लेते हैं, इसे 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2. ओके, देन यहाँ पे हो जाएगा 7, देन इसे हम 3 से करेंगे तो हो जाएगा 9, और 9 एक प्राइम फैक्ट नहीं 9, फिर इसे हम 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3. ओके, तो हो जाएगा 2 into 3 into 3 into 3. ओके, देन LCM इक्वल टू कितना होगा 2 into 2 into 2 into 2 into, क्या होगा 3 into 3 into 3 into 7. ओके, इक्वल टू हम LCM पता कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 16 और 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 into, ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे हो जाएगा 27 into 7. ओके, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं LCM के लिए, तो 27 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 एंड यहाँ पे 4 एंड ये हो जाएगा 12 and 4 16 and 7 and 2, तो ये हो गया 2 and 13 and 2 2 4, 2 हो गया 13 एंड 2 2 4, ये हो गया 4 32. इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 से, तो ये हो जाएगा 14, यहाँ पे 1 2 and 2, 28 से 2 30, यहाँ पे हो जाएगा 3 0 2 4. ओके, एंड HCF
इक्वल टू HCF कितना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है एंड कितना है 3 है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 6। ओके देन अब हम LCM इंटू HCF, LCM और HCF का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इक्वल टू LCM कितना है 3024 इंटू 6 इक्वल टू, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये है 3024 एंड 6 तो हो जाएगा 4 2 24 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 18, तो यहाँ पे क्या हो गया 1814। ओके ये हमने LCM इंटू HCF मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18144। देन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू कितना है 336 इंटू कितना है 54, तो इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 336 एंड कितना है 54, ये हो जाएगा 2 एंड 4 एंड 1 हो जाएगा। ओके देन ये 0 एंड यहाँ पे 3 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4 ये हो जाएगा 10 11 1, ये हो जाएगा 6 7 8 एंड 1 क्या है 1814। ओके 18144। तो LCM इंटू HCF हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18144 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 18144। सेम है ना, और क्वेश्चन में क्या कहा था कि वेरीफाई डेट LCM इंटू HCF इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो सेम देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF। ओके यही हमें वेरीफाई करना था कि ये सेम होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स LCM इंटू HCF। ओके okay?